हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। हम भी एकदम ठीक है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं धबास में, जो डूंडी माता का मंदिर है, यहाँ से कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। हम थोड़े जल्दबाजी में थे इसलिए हम वहाँ पे शूट नहीं कर पाए थे, पर थोड़ा सा ही कर पाए जो कि हम आपके साथ शेयर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम खट से ऊपर निकल गए। ये पार्क को जो आपको दिख रहा है वो डूंडी माता का टेंपल। ये हम लोग पहुंच गए हैं मासी जी के घर। तो ये है मासी जी का बहुत ही प्यारा सा घर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आपको मासी जी का होम टूर। ये है नीचे वाली, सबसे नीचे वाली मंजिल, जो कि गेस्ट रूम है। ये अंदर को भी इसमें रूम वगैरह हैं, पर ये वाला जो है वो गेस्ट रूम है। बहुत ज़्यादा प्यारा है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं इस वीडियो में कि कितना प्यारा है। ये मौसा जी बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पेंटिंग है बिज्जट महाराज जी के टेंपल की, और ये है डूंडी माता के टेंपल की फ़ोटो। ये तनु ने खुद बनाई हुई है। ये जाती है सेकंड फ्लोर के लिए सीढ़ियाँ, और ये है सेकंड फ्लोर। ये डाइनिंग रूम है, ये भी तनु ने खुद बनाई हुई है फ़ोटो। ये नाना जी है और ये नानी जी। नानी जी अब इस दुनिया में नहीं है, ये है नाना जी। जैसे कि अब ये है मेरे मासी जी। हम सब लोगों ने खाना खा लिया था, अब मासी जी खाना खा रहे थे क्योंकि इन्होंने भी निर्वात जाना था। ये है मासी जी का प्यारा सा किचन, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। जब मैं वीडियोस बना रही थी तो नाना जी बोल रहे थे कि मेरा कमरा भी दिखाओ, तो मैं आपको नाना जी का कमरा दिखाती हूँ। ये है मेरे नाना जी का प्यारा सा कमरा। तो ये है नाना जी और नाना जी की पोती, साथ में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो ये मासी जी ने बहुत सारे फूल वगैरह लगाए हैं, एलोवेरा, तुलसी, हर चीज़ लगाई हुई है। तो मासी जी घर के साथ साथ शॉप भी चलाते हैं। तो ये मासी जी की परचून की शॉप है, साथ में वो कपड़े भी सिलते हैं। अभी नाना जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो फाइनली हम निकल रहे हैं। ये है मौसा जी की गाड़ी, ये छोड़ेगी हमारे को आज निर्वात तक। बाय बाय बाय, चलते हैं हम। अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। ये मासी जी है, मैंने ज़्यादा शूट ही नहीं किया इनको। और ये मासी जी और का गाँव बहुत प्यारा सा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर गाँव आ रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम पहुंच गए निरवा। गाड़ी थोड़ी साइड में लगा दी क्योंकि उस दिन वहाँ पे रश था निरवा में बहुत ज़्यादा। तो मौसा जी मासी जी को चढ़ा रहेगी, इतनी धूप में तो जा खा रही है। तो ये पहुंच गए हम मार्केट। तो इस वाले ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आए, प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, देन शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।